से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता एक साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक को एक साल के लिए सस्पेंड किया गया है विजेंद्र गुप्ता। हालांकि क्यों ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगी सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये बड़ा एक्शन लिया गया है बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ, दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर ये बताया जा रहा है कि आप विधायक संजीव झा के प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है कि अब बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा करने का आरोप लगाया था। हालांकि और क्या डिटेल्स हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अगले बजट सत्र तक सस्पेंड रहेंगे बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता। पूरे एक साल के लिए वो दिल्ली विधानसभा में नहीं आ सकते, उनको निलंबित कर दिया गया है। अब वो बजट सत्र में कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ये जानकारी आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ बलराम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलराम, वजह क्या है, क्यों सस्पेंड किए गए हैं विजेंद्र गुप्ता? देखिए, जो स्पीकर हैं विधानसभा के रामनिवास गोयल, उन्होंने सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, वो लगातार तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने उनको शांत रहने की बात कही। उसके बाद स्पीकर और विजेंद्र गुप्ता के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और अंत में स्पीकर ने ये फैसला सुनाया कि बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक सदन से बाहर रहने का आदेश सुनाती है, उन्हें सदन की किसी भी कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा, यानी एक साल तक के लिए उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के बाद जो बीजेपी के विधायक हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो ये कार्रवाई हुई है वो बदले की भावना से हुई है और इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। राम, अमूमन देखा गया है कि अगर ठीक है हंगामा कोई विधायक करता है तो उसको उस दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, या मान लीजिए सेशन के लिए किया जाता है, उस सेशन के लिए। लेकिन एक साल तक सस्पेंड होना, और जो बीजेपी का आरोप लगा रही है जो बीजेपी कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। देखिए, ऐसा है, सदन की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो इस तरीके की अमूमन कार्रवाई देखने को मिलती है। और आज जो बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने सदन में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया था, लेकिन जैसे ही उस नोटिस पर चर्चा शुरू हुई, हंगामा बरपा और तीखी नोकझोंक देखने को मिली, और अंत में जो नोकझोंक है वो सीधे स्पीकर और विजेंद्र गुप्ता के बीच में होती हुई नजर आई। हालांकि कई बार स्पीकर ने उन्हें शांत रहने की बात कही, लेकिन जो नोकझोंक है वो बढ़ती गई और अंत में स्पीकर ने उन्हें एक साल के लिए सदन से बाहर कर दिया है। हालांकि अब इस बात को लेकर के बीजेपी के जो विधायक हैं वो बैठक कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को मीडिया के सामने भी रखेंगे। ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। रोहिणी